बड़े रानीतिहारी होते हैं ये भी, अगर सही बात पूछे जाए तो ये देवता पितर देवता सब बड़े रानीतिहार थे, सबसे रानीतिहारी। सही भक्तों को राधे राधे। भक्तों आज फिर हम जो है चैनल के माध्यम से एक संत से मिलने आए हैं, एक नया ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि ब्रज में आ रहे जो भक्त हैं उनको अपनी जो जीवन की शैली है या अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कैसे पूर्ण किया जाए। घर घर में जो है कलेश जो होते हैं आजकल लोगों के दिमाग या ये हम कहें कि लोगों की सोच जो है बदल चुकी है, तो सोच को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमें जो है ज्ञान की ज़रूरत होती है, साधु संतों की ज़रूरत होती है। इसी चीज़ को उद्देश्य लेकर के आज जो है हम संत से मिलने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कष्ट हैं वो कैसे पूर्ण हों। आइए चलते हैं सीधा जो है संत की ओर। जय श्री राधे। जय श्री राम महाराज। जय श्री राधे। प्रभु जी सर्वप्रथम जो है हमारे भक्तों को आप छोटा सा अपना शुभ नाम जरा बताएं। मेरा नाम वैसे सूरजकुंड वाले नाम से जानते हैं, सूरजकुंड वाले बाबा के सूर्य, लेकिन नाम है मेरा पुरुषोत्तम दास जी। तुम्हारा ये जो स्थान जिस पर आप अभी विराजमान हो ये किस जगह पड़ता है जरा ये गांव डबारा सूरजकुंड स्थान है, यहाँ तक विद्यान्दु लेखा जी और जुगल युगल शोर मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तुम्हारा जी जो हमारे ब्रज में भक्तगण आ रहे हैं जो सभी सखियों के दर्शन करने आते हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के दर्शन करने आते हैं, देखिए मनुष्य के हर जीवन में हर प्रकार के कष्ट आते हैं, तो कुछ ऐसा भक्तों को जो है बताएं कि जीवन के जो कलेश हैं वो समाप्त हो जाए, उनके जीवन में जो है आगे उन्नति की ओर बढ़े। वो देखो ब्रज में तो राधा रानी ही सर्वोपरि है जी, और राधा रानी जी की यहाँ चलती है जी, और आपको पता होगा कि बलभाचल पर्वत भी जो है कई हजारों वर्ष तपस्या की थी जी, उसके बाद उनको स्थान मिला था जी। नंदेश्वर महाराज जी को भी उसके बाद हजारों वर्ष तपस्या की जब मिला था। ये राधा राम रहोगे भले ही से 5 मिनट आप निकालो उसी में राधा राधा जाप करोगे तो उसी में आपको भक्ति प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा घर में लड़ाई रहता है, कलेश रहता है, सुख शांति नहीं रहती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो घर पे लोभान गूगल उस पे कपूर और 2 लौंग डालकर 108 बार डेली राधा राधा का जाप कर दोगे तो घर में सुख शांति होगी, धन वृद्धि भी बढ़ेगी और आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। दूसरा जिस ब्रज में घूमने का बड़ा महत्व है, जितना आप इस ब्रज में घूमोगे दर्शन करोगे उतनी भगवत जागृत होती है, उतनी भक्ति जागृत होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बड़ी पवित्र है जी। बिल्कुल इस पर मिट्टी कितने पवित्र, जैसे पैर हम चलते हैं इस मिट्टी पर चलते हैं, ये जो परिक्रमा बनाई गई हैं उनका उद्देश्य यही कि आदमी आए और भक्ति जागृत हो, क्योंकि ये गोवर्धन परिक्रमा या राधा रानी परिक्रमा या 84 कोस कर परिक्रमा जो बनाई है कि जितने ये रहेंगे जितने ये इसमें स्पर्श करेंगे इस मिट्टी से में रहेंगे उतना ही उनको भक्ति जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा बाहर से कोई व्यक्ति अगर अचानक आ गया किसी के साथ पहला देखता है भाई हाँ तो ये राधा रानी है तो लोग देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद वो जाएंगे तो बाहर से भी आए बाहर दोबारा कहेगा कि मैं मुझे दोबारा ले चलना, और कुछ दिन बाद इतने भक्तिलीन हो जाते हैं कि वे कहते हैं कि हे राधा रानी हमें यहीं निवास दे दें। और यहाँ की हर चीज़ जो पवित्र है, पेड़ पौधे हर चीज़ में जो है। मतलब एक सवाल और हमारे भक्तों की ओर से कि जो लोग ब्रज में आ रहे हैं हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग जो है कहीं और रहता है, बाहर रहता है। देखो वे असल में उनका उद्देश्य ये होता है, उनका घूमने का उद्देश्य होता है, भक्ति का नहीं होता। जब वे आते हैं तो उन्होंने चलो राधा रानी के यहाँ बरसाने घूम के आ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वे कहेंगे हम दर्शन करने जा रहे हैं या ब्रज के दर्शन करने जा रहे हैं या वहाँ सखियों के दर्शन करने जा रहे हैं शब्द का तो शब्द का महत्व है, जब शब्द वो ठीक नहीं रहेगा तो उनका भाव भी ऐसे ठीक नहीं रहेगा, भाव बदल जाता है, भाव बदल जाता है। हाँ कई बार देखने को लगता है कि आदमी या मनुष्य यहाँ घूम तो रहा है या भ्रमण कर रहा है लेकिन उसका दिमाग बाहर की ओर है, उस चीज को उसके कारण है वो केंद्रित नहीं कर पाता है। दूसरा ध्यान अगर वो आता भी है तो ध्यान अपने बिजनेस पे या अपने जहाँ भी घर पे रहता है कि बच्चे ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, अगर यहाँ के ही का भाव हो जाए तो अति उत्तम रहेगा। जहाँ भी जाओ मैं कह जिस काम भी करो, अगर आप घर का काम तो घर पर ध्यान दो, जब अगर आप भगवान को समर्पित हो गए तो भगवान पर ध्यान दो, आते ही हाथ जोड़ो दंडवत करो प्रणाम करो
हे राधा रानी, हे भगवान, किसके भगवान को मानते हो कि हम आपको समर्पित है, शरीर आपको समर्पित है, जो कुछ है सब आपका ही है। कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कुछ कि जैसे भजन करने के लिए बैठते हैं तो भजन करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि बैठे हैं, वो उनका मन है कि हम एक घंटा दो घंटा भजन करें, मन में तो है लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है कि वो कर नहीं पाते, बीच में ही उड़ जाते हैं। उसकी शुरुआत अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो उसकी एकांत से होगी पहले, या तो आप कमरा बंद करके रखें या एकांत जगह पर जाएं और एक मूर्ति रखें, उस मूर्ति को एकटक देखते रहें, एकटक देखें, उसका जाप करते रहें, जिसको भी राधा रानी का, भगवान कृष्ण का, नारायण का, लक्ष्मी नारायण का, जिसका भी जो आप भी उचित हो एक मंत्र पकड़ लीजिए। ये भी नहीं कि राधा रानी का भी पकड़ लिया, भोलेनाथ का भी पकड़ लिया, भगवान कृष्ण, ऐसे नहीं, एक स्मरण कीजिए, एक ही मनोजिए, एक इष्ट मानिए, एक को ही समर्पित होजिए। जैसे पत्नी एक को समर्पित होती है लेकिन आधा सबका करती है, अब कारण क्या है कि आधी समर्पित कई कई जगह रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। हाँ, हम जाएं सबको प्रणाम करें, महाराज शिव जी के सामने भी गई तो राधे राधे, अगर हम राधा को समर्पित हैं, जैसे हम लक्ष्मी नारायण के हैं, रामानुज समुदाय से हम, तो हम जय श्री नारायण बोलते हैं, नारायण बोल, शिव जी के मंदिर में जाएंगे वहाँ भी नारायण भगवान की जय बोलेंगे, जैसे तो सब यानी कि हर चीज़ में वही चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तो अब होता क्या है कि आज शिव जी के जय भोलेनाथ, आज शिव जी के भक्त हो गए, कल राधा के हो गए, कल कृष्ण, कल शनिदेव मिल के शनिदेव के भक्त हो गए, तो वे और जिंदगी फुटबॉल बना देते हैं, उनको कोई हिस्सा नहीं होता, उनको कहते तो ये तो लालची है, सब जगह मानते। तो इसलिए एक ध्यान रखो, एक केंद्रित रखो, जब तक आप समर्पित नहीं होगे, ध्यान से आप समर्पित नहीं करोगे शरीर को कि सब तुम्हारा है, जो करोगे आप ही करोगे, जो कर रहे हो करोगे आप ही करोगे, जो कर रहे हो वो भी आप ही करो, जो करोगे आगे वो भी आप ही करोगे। तो अगर समर्पित है ये शरीर सब, आज आप ध्यान लगा के आप बैठोगे तो निश्चित ही एक दिन दो दिन, असल में क्या होता है कि कहना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ भक्ति भगवान ही बड़ी मुश्किल से जो है उसको दिमाग में जो है इधर उठल पुथल मचाते रहते हैं, ध्यान हटाते हैं भी जानबूझकर कि हमारी तरफ ना जाए, हमारी भक्ति में ना पड़े, हटाते हैं। बड़े राजनीति आ रही होते हैं ये भी, अगर सही बात पूछे जाए तो ये देवता पितर देवता सो बड़े राजनीति आते, सबसे राजनीति आ रही सूर्य देव होते हैं, उसके बस ये बुद्धि फेर देते हैं। तो जैसे सरस्वती माँ इनको कहते थे कि जाओ इसकी बुद्धि फेर दो, कोई मुश्किल, आपने देखा होगा कि हजारों वर्ष तपस्या करी और उनकी भंग हो गई, तपस्या एक भंग कर दी हजारों वर्ष, एक एक मिनट की तो बात छोड़ो, एक दिन की हजारों वर्ष की बात तपस्या होगी। तो इसलिए जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं अपनाओगे, टाइम नहीं निकालोगे, आज मैं 10 मिनट बैठना है तो बैठेंगे, तो एक दो दिन दिक्कत होगी मेरे ख्याल में, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और भगवान की कृपा भी होगी, ऐसी बात नहीं है, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, ध्यान भी बढ़ेगा, ये सब आपको बढ़ जाएगा अगर आप निरंतर एक भक्ति, लेकिन सिर्फ एक का नाम, तो राधा राधा जपो या नारायण जपो या शिव शिव जपो, ऐसे नहीं कि आज मतलब एक को समर्पण होगा पूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से। हाँ, बजरंग बली जो है हमारे हनुमान जी में वो सबको समर्पित है, इसलिए हम उनकी साथ में आराधना कर सकते हैं, उनका बजरंग बली। तो आपने जो है बहुत ही सुंदर सत्संग और बहुत ही सुंदर शिक्षा आपने प्राप्त करी हमारे संत के माध्यम से, इसी प्रकार और भी भावपूर्ण जानकारियाँ और जो है प्रवचन को हम थोड़ा सा अपनी और बताते हैं जी। हम स्टूडेंट थे, आप जैसे लड़के थे जी, पढ़ाई करी जी। पढ़ाई करने के बाद हमारी भगवान भक्ति रहती थी, जैसे संडे को छुट्टी रहती थी, चलो कहीं कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ भजन कर रहा है जी। उसके बाद नौकरी भी करी, प्राइवेट नौकरी करी, नौकरी करने के बाद वहाँ भी मन नहीं लगा, वहाँ भी जहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वहीं जहाँ टाइम है वहाँ के इतना बैठ गए, पता ही नहीं आज जा रहे नहीं जा रहे। तो भक्ति किसी नहीं हटती, दिल्ली जैसे शहर में हम रहे और वहाँ भी लोगों ने, वहाँ भी हमें भक्ति नहीं हटा सकती। तो जब मन में संकल्प होगा, मन में सिद्ध होगा, जहाँ ध्यान के जब जिधर आप ज़्यादा ध्यान लगाओगे आपकी प्रवृत्ति उधर ही पड़ जाएगी। बीए किया है, बीए करने के बाद जो है कई कंपनियों नौकरी करी, धारूहेड़ा, भिवाड़ी, दिल्ली, तो कई कंपनियों में हमने जो प्राइवेट कंपनियों में की है अकाउंटेंट के रूप में,
क्योंकि हमारे पे इंटर में इकोनॉमिक्स थी पैसे उसके हिसाब से स्टडी। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो जब भक्ति जागृत हो जाती है तो जब मन करता है तो होता है, ऐसे ऐसा नहीं है। दो चार दिन आप भटकोगे इधर उधर लगाओगे और जिस प्रवृत्ति में मन लगाओगे वो आपका नहीं शादी। इसलिए तो चलो अभी हटाओ जैसी आपने सुना। ऐसे ही और भी भावपूर्ण प्रवचन सुनने के लिए, संतों के जो है भाव जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अस्थाई रास्ता के साथ। सही भक्तों को राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। जय श्री सबकी जय हो, सबका मान।